इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के पहले दो सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि सीजन का उद्घाटन मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच चेन्नई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 24 तारीख को अर्थात रविवार के दिन होगा। लेकिन खास बात यह है कि इस दिन दो मुकाबले होंगे और दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस के पहले मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी इस मैच में हिस्सा ले सकते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम में कई शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पहले मैच में रोहित शर्मा इवन लुइस के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में कई मुकाबलों में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार रोहित खुद इवन लुइस के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। अगर मध्यक्रम की बल्लेबाजी की बात करें तो कायरन पोलार्ड को शायद ही पहले मुकाबले में मौका मिले। वहीं सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या जो मध्यक्रम की टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पिछले समय से ऑलराउंडर की भूमिका में कैरन पोलार्ड को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या उनसे आगे निकल चुके हैं और इस पहले मैच में ये बतौर ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे। नीता अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस के पहले मुकाबले में अगर गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह मुख्य गेंदबाजी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा लसित मलिंगा, मिचेल मैकलेनघन, जेसन बैरनड्रॉफ और हार्दिक पांड्या शामिल होंगे, जबकि मयंक मारकंडे तथा कुणाल पांड्या स्पिन गेंदबाजी की भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपनी प्लेइंग 11 के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।